सावधान रखिया पहले के निकला अब आजा बजा रहा हूँ रोड पर, बोलो सही कर रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, हमारी बात कितने लोगों को सही लग रही है, सही लग रही है। अपने अपने रिश्तेदार को समझाओ, ये सोच लो कि ओम प्रकाश राजभर जैसे ऊसर का दऊ दूसर होला ना, इधर तो ऊसर पावल जाए ऊसर का दऊ दूसर नेतन का भी नेता दूसर ये ओम प्रकाश राजभर हमन हम बहुत जैसे बेहया होला ना इधर बेहया हो तो ही बेहया जाना ना जो भी बोलते हूँ पनिया में होता है। अब आप समझो अपनी भाषा में हम अपनी भाषा में नहीं समझ पाते हैं, हाथ बोलते हैं आप कितने लोग जानते हो हाथ उठाओ जानते हो ना। देखो अगर पानी सूख जाए थोड़ा सा भी हरियर रहेगा तो पूरा पोखरी घेर लेगा, वो ताकत है तो ओम प्रकाश राजभर बेहया नेता है, ये सोच लो हम आके नेता है, हम घूमते रहते हैं पता लगाते रहते हैं, हमारी सोच है लड़ाई है साफ साफ लड़ाई है, ये देश में हमने है तो हमारों के हिस्सा मिले के चाहिए। ये जितना लोग है के बिजली के बिल से परेशान हो कहीं हाथ उठावा, इधर उधर वाले भैया दो लोग सब लोग परेशान है, सही बतावा। देखा इस्लाम धर्म में हो खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। जिस दिन आप चाह जाओ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1,00,000 करोड़ रुपया कर्जा टाटा बिरला डालमिया हिंडालको सिंघानिया इन लोग का कर्जा माफ होगा 1,00,000 करोड़। अगर अमीरों का कर्जा हमारे टैक्स से माफ हो सकता है तो हमारे टैक्स से घरेलू बिजली का बिल भी उत्तर प्रदेश में माफ होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब जे नेता आवे तो ये लोगों के बीच में भाए ओके बैठा के पानी पिया हुआ चाय पिया हुआ उसे कहेगा कि जाए अपने बड़का नेता से कहेगा कि जब बिजली का बिल माफ करवा तब वह वोट दिया ही नहीं तो वोट दिया ही भाई खाली गंगा गंगा हल्ला करा कुछ ना ना लाठी चलावे थे ना कट्टा ना बम कुछ ना चलावे थे हो खाली गांव में नेताजी की इज्जत खूब करा लेकिन नेताजी से कह दे कि भाई देखा अगर हमारे के टैक्स के पैसा से अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे टैक्स से हमारा घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये बात का चर्चा हो चुकी है, आज हमारे साथी बैठे हैं यहाँ। एक दिन अखिलेश जी का कार्यक्रम लग गया, अखिलेश जी ने कहा नहीं चलना है, उन लोगों से पूछा कि बोलो कहे आ जाओ अगर वो कह रहे हैं तो आ ही जाओ, चले गए। और 71 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 1,26,000 वोट, कभी इतना वोट कोई पाया नहीं था जहूराबाद में, कभी कोई नहीं पाया था, रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने जितवाया। और वो कहते हैं जहूराबाद के लोग कि नेता जाओ एकावा कौन कासगंज जाओ चाहे सहारनपुर भाजपा शामली जाओ चाहे बाजा चित्रकूट हमीरपुर जालौन जाओ उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जाओ लेकिन जहूराबाद विधानसभा में तू मत आना, हम तेरी रहाई लेंगे, हम दोबारा तुझे जीत के भेजवाएंगे। तब हम यहाँ आए थे ऐसा न आए थे 9,38,00,000 रुपया डीसीएम पर लाभ देकर 2,000 वाली लड़की ने धन बच जाए 9,38,00,000 रुपया गरीबन के इलाज बदे ऑपरेशन बदे ओम प्रकाश राजभर अपनी कलम से पूरे उत्तर प्रदेश में लेने का काम किया पूरे उत्तर प्रदेश में। और तो और साथी इसी नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप लोग भी वोट दिए हो विधायक बनाए हो सांसद बनाए हो कोई के इलाज बदे 5,000 रुपया मिला बोला कोई के मिलल एक ना मिला तो हाथ उठावा नहीं मिला था ना यही बदे हम हिम्मत करी एक कानून बने के चाहिए रुपया का कमी ना हो भाई रुपया का कमी ना हो देश में रुपया
पिया का इतना घायल हो हम तो दिल ना भीतर ले जाके देख लेने भाई जहां बक्सवा में बन बा वहां तक नियरे जाके देख लेने भाई खाली वहां रुपया इतना हो खाली हमने के गोलियाए का जरूरत हो इकट्ठा होने का जरूरत हो एकजुट होने की जरूरत है एक कानून देश में प्रदेश में बनाने की जरूरत है कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो अगर बीमार होता इलाज कराना हो तो जितना भी पैसा लगे प्रदेश सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए ये कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए मोतिया बिंद हो जाता है सरकार रहती है तो मोतिया बिंद हो जाता है नेताओं को नहीं दिखाई देता अरे ये कानून देश में बनना चाहिए रोजगार परक शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए कक्षा 4 से कलम बनाना घड़ी बनाना रेडियो बनाना मोबाइल बनाना मोटरसाइकिल बनाना पंखा बनाना लैपटॉप बनाना कैमरा बनाना इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय पढ़ना अनिवार्य हर जाति के बेटा बेटी को अनिवार्य कर दिया जाए अब सवाल आपसे है आप बताओ